दोस्तों, जैसा कि अभी यूपी में खतौनी अपडेशन का काम चल रहा है, तो कई सारे गांव की खतौनियाँ यूपी भूलेख पर खुल के नहीं आ रही हैं, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। तो दोस्तों, उसके लिए हमें क्या करना है, कहां से हम अपनी खतौनी प्राप्त कर सकते हैं, ये जानकारी देखने के लिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। देखिए दोस्तों, हमने यूपी भूलेख सर्च किया, इसको ओपन करेंगे, यूपी भूलेख वाली पब्लिक वाली साइट ओपन करेंगे। और फिर यूपी भूलेख की वेबसाइट ओपन होते ही सबसे पहले आपको अपना जनपद चूज करना है। जनपद, जिला जो भी आपका हो, थोड़ा सा जूम कर लेना दोस्तों, सही से दिखेगा। यहाँ से आप अपना जनपद, जैसे मैं झांसी चुन लेता हूँ, और यहाँ पे झांसी या मौट जो भी तहसील मौट तहसील चुन लेते हैं। अब दोस्तों, आपने देखा होगा आपका गाँव इस लिस्ट में नहीं आ रहा है, आपने कई बार सर्च किया देखा, अब आप परेशान हो रहे होंगे कि मेरे गाँव की खतौनी कैसे निकलेगी। तो इसके लिए आपको जो एक ऊपर होम वाला बटन दिख रहा है ना, उस पर क्लिक करना है दोस्तों। वहाँ क्लिक करते ही आपको जो नई वाली खतौनी जो अभी जिसमें काम चल रहा है अपडेशन का, वो खतौनी आपको यहाँ मिल जाएगी दोस्तों। देखिए यहाँ नीचे कुक जाएंगे, सबसे नीचे साइड, वहाँ रियल टाइम खतौनी जो अपडेशन वाली चल रही है, वो खतौनी यहाँ पे डाल दी गई है दोस्तों, ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। ये देखिए, ये लिख किया गया रियल टाइम खतौनी की नकल, देखिए यहाँ पर क्लिक करते दोस्तों हम पहले की तरह अपना जिला सर्च करेंगे, जो भी आपका जिला हो। जैसे आप पुराना ही देख लेते हैं, झांसी जिले का देखा था अभी, तो झांसी पर क्लिक करते हैं। इसके बाद मौट तहसील पर दोस्तों, मौट तहसील में अभी जो गाँव यहाँ नहीं दिख रहे थे, वो गाँव इस लिस्ट में दिखेंगे दोस्तों। तो यहाँ से आप अपनी खतौनी बड़े आराम से देख सकते हैं दोस्तों। जैसे अभी दो तीन गांव थे जो यहाँ पे नहीं दिख रहे थे, एक वहाँ पे था मुड़ई बिटरी, एक गांव आराम से यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों। और अगर खतौनी की नकल निकालना नहीं आता है आपको कि कैसे निकालें, तो गाँव एक सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर अपना गाटा संख्या डालिए और खोजे पर क्लिक कर दीजिए दोस्तों। जो भी आपका गाटा संख्या हो, यहाँ उदाहरण देखे पर क्लिक करेंगे, आपकी खतौनी की नकल यहाँ निकल के आ जाएगी दोस्तों। ऐसी अधिक महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।